पाई हळू हळू चाला मुखाने साईनाथ बोला पाई हळू हळू चाला मुखाने साईनाथ बोला। तो इस वीडियो में हम जाने वाले शिरडी बाय ट्रेन से। शिरडी कैसे पहुंचना है, दर्शन का क्या सिस्टम है अभी वहाँ पे, और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कि 20 रुपये में आप कैसे शिरडी में रूम बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जाने वाले शिरडी मुंबई से। अगर आप मुंबई से जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहुँचना होगा दादर, क्योंकि दादर से आपको शिरडी के लिए ट्रेन निकलती है। 2 ट्रेन है जो कि अल्टरनेट डे पे चलती है। तो हम जाने वाले साईनगर एक्सप्रेस से, और एक ट्रेन है जो थोड़ी घुमा फिरा के जाती है, सुबह 9 बजे पहुंचाती है, और साईनगर एक्सप्रेस आपको सुबह 4 बजे पहुंचा देती है, जो कि बेस्ट टाइमिंग है शिरडी जाने के लिए। तो ये हमने टिकट ले लिया 135 रुपीज़ का, जनरल का रिजर्वेशन में जो मिला नहीं। तो ये रही हमारी ट्रेन साईनगर एक्सप्रेस जो हमें शिरडी लेके जाएगी, और ये ट्रेन लगती है हमारी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे दादर पे। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे ऑनलाइन टिकट बुक कर दे करके, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो साईनगर एक्सप्रेस का जनरल का टिकट आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन शो नहीं करता है, बाकी के सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो जनरल का 135 रुपीज़ है टिकट के चार्जेस, और स्लीपर कोच का आपको 235 रुपीज़ है। साईनगर एक्सप्रेस में टोटल 5 डब्बे लगते हैं जनरल के, तो 2 डब्बे लगते हैं आपके पीछे के तरफ और 3 लगते हैं आगे के तरफ इंजन के तरफ। तो 9:45 को ये ट्रेन निकलती है, अभी 9:25 होने आया, तो पहले जाके मैं बैठ गया था, तो मैं आगे आया हूँ जनरल डब्बे पे। तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन के अंदर तो आ चुके हैं, सीट तो हम लोग को मिल चुका, पूरा खाली है, आप देख सकते हो पूरा खाली, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी पूरा खाली है। तो ट्रेन निकल रही है अपने सही टाइम पे। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के। तो हम पहुंच गए अभी मनमाड़ स्टेशन, तो इसके बाद और एक स्टेशन है जो कि खोपरगांव, उसके बाद आ जाएगा शिरडी। मेरे घर के आके साईना तेरा मंदिर बन जाए। तो हम पहुंच गए अभी साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड है। तो अभी बज रहे 4:22, तो 4:10 को यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। एक्चुअली देखा जाए तो 4:45 इस ट्रेन को यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो थोड़ी बहुत लेट है। तो यहाँ से मेन शिरडी टेंपल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से हमें बाहर ऑटो मिलेगी जो हमें शिरडी टेंपल तक पहुँचाएगी। तो देखते हैं बाहर जाके ऑटो का क्या सीन है करके, तो बाहर से ऑटो पकड़ते हैं और सीधा जाते हैं हम लोग टेंपल के लिए। तो वीडियो के चक्कर में मैं यहाँ पे लास्ट बच गया, तो देखता मुझे ऑटो मिलता है कि नहीं बाहर, तो अभी सब धनाधन करके जा रहे। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी चलता हूँ बाहर। तो यहाँ पर आते ही आपको एक लैंडमार्क गिर सकते हो, साई बाबा का यहाँ पर पहले बहुत बड़ा यहाँ पर आपको पोस्टर देखने मिलता है, ये कुछ ऐसा है। यहाँ से नीचे उतर गए हम, मारे गए यहाँ से राइट। तो जैसे मैं ऑटो स्टैंड के पास पहुँचा तो ये ऑटो वाला मुझसे स्कैम करने देख रहा था। मैंने उससे पूछा शेयरिंग ऑटो कहाँ से मिलती है, तो बोला यहाँ पे शेयरिंग ऑटो नहीं जाती है, ये होटल्स पे लेके जाते हैं रिक्शा। अगर आपको पर्सनल करके जाना है तो यहाँ से आपको 300 रुपये लगेगा शिरडी के लिए, और शिरडी का डिस्टेंस है खाली 3 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 100 रुपये लग रहा है। शेयरिंग कुछ है तो मुझे कुछ सही नहीं लगा 300 रुपये शिरडी के लिए 3 किलोमीटर के लिए देना, तो मैं पीछे साइड चला गया जहाँ पर और सारे खड़े थे रिक्शा। तो वहाँ पे जाके मैंने पूछा शेयरिंग के लिए, तो उन्होंने हाँ बोला। तो देख सकते हो कितना बेशर्म, मतलब इसके पीछे ही शेयरिंग में जा रही है और ये नहीं बोल रहा है यहाँ से शेयरिंग नहीं जाती है करके। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादातर ऑटो वाले आपको होटल्स के लिए लेके जाते हैं, अगर आपको रूम वगैरह बुक करना है तो उनके तरफ से वो लेकर जाते हैं, शायद से उनको परसेंटेज वगैरह होगा। मैं जिस ऑटो से गया था उन्होंने भी कुछ लोगों को यहाँ पे होटल पर उतराया था, तो मैंने रेट वगैरह पूछा तो ठीक ठाक रेट है, अगर आपको ऐसा बुक करना था आप बुक कर सकते हो। तो उन्हें छोड़ने के बाद उसी ऑटो वाले ने हमें शिरडी तक छोड़ा, वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में, और 20 रुपीज़ में और 300 रुपये में बहुत फ़र्क है। तो शेयरिंग के लिए ऑटो जाती है शिरडी तक, तो उसमें ज़रूर जाना। तो ऑटो लाके आपको मेन गेट के पास छोड़ देगा जहाँ से आपको दर्शन के लिए एंट्री है। तो अंदर आपको फ़ोन लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो आपको फ़ोन आपका लॉकर रूम में जमा करना पड़ेगा। जो मेन गेट है उसके बाजू में आपको लॉकर रूम दिखेगा जहाँ पर आपका फ़ोन आप खाली 5 रुपये में जमा कर सकते हो, और उसी काउंटर के बाजू में आपको बैग और शूज़ के लिए भी काउंटर दिख जाएगा जहाँ पर आप बैग और शूज़ एकदम फ्री में रख सकते हो। तो अभी चलते हैं अंदर, फोन तो मैंने फिलहाल अभी जमा कर दिया, तो शूट करने अंदर मिलेगा नहीं। पाई हळू हळू चाला मुखाने साईनाथ बोला पाई हळू हळू चाला मुखाने साईनाथ बोला। तो दर्शन हो चुका है मेरा बहुत ही अच्छे से। अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो सुबह 5 बजे अंदर छोड़ना चालू कर देते मंदिर के अंदर,
और उसके बाद आपको एक घंटा वेट करना पड़ता है, 6 बजे आरती होती है, उसके बाद आपको दर्शन के लिए अंदर छोड़ा जाता है। और उसके बाद मेरा 15 मिनट में दर्शन हो गया था। तो अगर आप अगर वीकडे में आते हो तो आपको ज़्यादा लाइन देखने नहीं मिलता, अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो थोड़ा आपको लाइन देखने मिल सकता है, और एक गुरुवार को आपको बहुत ज़्यादा लाइन देखने मिल सकता है, और बाकी वीकडे में आपको इतना कुछ लाइन रहेगा नहीं। बहुत ही ज़ोरों की लगी है भूख, और मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलता है, और वो भी बहुत ही सस्ते में। तो देखते हैं कहाँ पर क्या है करके। तो सबसे पहले हमें पहुंचना होगा मेन गेट के पास, जहाँ से हमने एंट्री की थी दर्शन के लिए। वहाँ से बस लेफ्ट लोगे थोड़ा, लेफ्ट साइड में जो पहली बिल्डिंग दिखेगी उसी के नीचे हमें मिलेगा नाश्ता, और वहाँ पे आपको लड्डू काउंटर भी देखने मिलेगा। अगर आपको लड्डू लेना है आप वहाँ से लड्डू ले सकते हैं, ये ऑफिशियल है, जहाँ पे ट्रस्ट लिखा है ये शिरडी की तरफ से ऑफिशियल काउंटर रहेगा। तो यहाँ से ही आप प्रसाद लेना, आपको सस्ता और अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा बहुत लाइन लगाने के बाद हमें फाइनली नाश्ता मिल गया, बस 5 रुपये में आपको इतना अच्छा नाश्ता मिलता है। आपको 4-5 पूरी मिलता है, एक अलग से भाजी मिलती है, प्लस आपको एक स्वीट मिलता है। तो मैं तो बोलूँगा आपको होटल में भी इतना अच्छा मिलेगा नहीं शायद, तो मैं जरूर बोलूँगा एक बार जरूर इसे ट्राई करना। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, शिरडी में रूम्स के बारे में। देखा जाए तो शिरडी में रूम एकदम आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। आप बाहर कहीं पर भी रूम अगर बुक करते हो तो बहुत ही सस्ते में आप बुक कर सकते हो। अगर आपको और भी कम पैसों में रूम बुक करना है तो शिरडी की तरफ से बहुत सारे भक्त निवास और आश्रम वगैरह है, वहाँ पर आप और भी कम पैसों में शिरडी में रूम बुक कर सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आप 20 रुपीस में यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो। डोमेट्री करके एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप 20 रुपीस में रूम बुक कर सकते हो 24 आवर्स के लिए। अगर आप 2 से ऊपर है तो आपको रूम बुक करना पड़ेगा। ये वहाँ के बड़े बड़े होटल का नाम है, द्वारावर्ती, साई भक्त निवास, साई आश्रम भक्त निवास। तो यहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप ऑफलाइन नहीं जाना, ऑफलाइन उधर जाने के बाद फुल होता है, कभी भी जाओगे तो आप वहाँ पे आपको फुल मिलेगा रूम। 200 से लेकर 250 में नॉन एसी मिल जाएगा, एसी आपको 500 से लेकर 600 के बीच में एसी मिल जाएगा। तो रूम में आपको मिनिमम कैपेसिटी है 3 लोगों की, मैक्सिमम है 5 लोगों की। अगर आप 3 के ऊपर किसी को ऐड करते हो तो आपको 50 रुपये पर पर्सन का ऐड कर लगता है। आपके नंबर से आपको इसे लॉगिन करना है, OTP आएगा, उसे लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो मैं तो बोलूँगा आप ऑनलाइन ही इसका रूम बुक करना, मैं उनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी का हमारा नेक्स्ट लोकेशन है खंडोबा टेम्पल, जो कि साई बाबा मंदिर से एकदम बहुत ही नज़दीक में, तो आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब साई बाबा जब पहले बार इस तरफ आए थे तो सबसे पहले वो खंडोबा टेम्पल पे आए थे, तो इस वजह से थोड़ा खास बनता है। तो यहाँ पे जो मूर्ति आपको खंडोबा की जो मूर्ति है वो आपको भगवान शिव की भैरव अवतार में मूर्ति देखने मिलती है। अभी का हमारा लोकेशन है साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क करके है, तो ये है हमारा साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क करके। तो यहाँ पे आपको 5D में लंका दहन दिखाया जाता है, और साई बाबा का एक शो दिखाया जाता है जिसपे उनकी जर्नी बताई जाती है, और यहाँ पे आपको 10 बड़े बड़े जो इंडिया के मंदिर है उसकी टूर दिया जाता है। अगर आप शिरडी में आते तो यहाँ पे जरूर आना, देखने जैसा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो यहाँ पे भी जरूर आए। यहाँ पे ये थीम पार्क है, और इसके अपोजिट में आपको यहाँ पे वाटर पार्क देखने मिलेगा जो कि वेट एंजॉय वाटर पार्क है। ये दोनों मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, क्योंकि मेरा आज का ये 1 डे ट्रिप है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा एक्टिव हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पे लोकेशन तक आपको कैसे पहुँचना है, इसका प्राइसिंग वगैरह आपको डिटेल में बताता हूँ। तो अभी लगी है जोरों की भूख, तो हमारा अभी का लास्ट लोकेशन रहेगा भोजनालय और शिरडी आया। अगर आप खाना खाने नहीं गए तो आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया, तो मैं जरूर वहाँ पे जाने वाला, तो मेरा लास्ट लोकेशन रहेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, तो ये रहा हमारा प्रसादालय का गेट, यहाँ से हमें सीधा जाना है और आगे जाके शायद से राइट मारना है। मेरे घर के आगे सायरा तेरा मंदिर बन जाए, को यहाँ से एंट्री है, ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर चलते हैं। मेरे घर के आगे सायरा तेरा मंदिर बन जाए, यहाँ से मेन गेट से अंदर आने के बाद यहाँ से कुछ आपको टिकट काउंटर मिलता है, जहाँ पे आपको फ्री में टिकट मिलता है, पास मिलता है खाना खाने के लिए। तो यहाँ से टिकट ले लेना फ्री में, कुछ ऐसा पैसा है नहीं, तो ऐसा कुछ टिकट मिला है हम लोग को। तो यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे। पाई हड़ू हड़ू सलाम काने साई नाथ बोला, पाई हड़ू हड़ू सलाम काने साई नाथ बोला। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मेरे जैसे आप 1 डे ट्रिप करना चाहते हो तो जिस ट्रेन से मैं आया था वो ट्रेन वापस उसी दिन रात को 10:20 से शिरडी से दादर के लिए निकलती है। अगर आपको उससे जाना है तो आप जा सकते हो। अगर आपको और एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट बस भी है जो मुंबई के लिए जाती है 400-500 रुपये में मुंबई के लिए लेकर जाती है, तो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ST बस लूँ नासिक के लिए, नासिक से मेरे को बहुत सारे ट्रेन मिल जाएगी मुंबई के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ उससे जाऊँ। अगर आप नासिक से जाना चाहते रहोगे तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा आप फैमिली के साथ नासिक से ना जाए, क्योंकि नासिक के ट्रेन में आपको बहुत मिलेगी रश, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको बस। और आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।